टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, भारत की 10 सबसे हॉन्टेड जगह हैं। भानगढ़ फोर्ट, भानगढ़ का किला। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत की टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। भानगढ़ की कहानी बड़ी रोचक है। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता था और 300 सालों तक भानगढ़ खूब फला फूला। फिर यहाँ पे रहने वाले एक तांत्रिक ने, जिसको कि यहाँ की राजकुमारी से प्यार हो गया था, उसे काले जादू से अपने वश में करने की कोशिश करी। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता था, पर खुद ही वह उसका शिकार होकर मर गया। लेकिन मरने से पहले वो तांत्रिक भानगढ़ को बर्बाद होने का श्राप दे गया। और कहते हैं कि एक महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीराना हुआ भानगढ़ आज तक वीराने में है। और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोग आज भी भूत बनकर रात को भानगढ़ में भटकते हैं, क्योंकि तांत्रिक के श्राप के कारण उन सबको मुक्ति नहीं मिल पाई है। अब ये फोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नीचे आता है और सूर्य अस्त के बाद इस किलों में जाने को किसी की अनुमति नहीं है। कुलधरा गांव, जैसलमेर, राजस्थान। कुलधरा हमारी सूची में नंबर 2 पे रखा गया है। कुलधरा पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है और ये ब्राह्मणों का एक गांव था। कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अय्याश दीवान सालम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे दिया कि यहां पर कभी कोई नहीं बस पाएगा। और तभी से ये गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता ये गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। एक टूरिस्ट प्लेस में बदले जा चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी उन्हें सुनाई देती है। टूरिस्ट कहते हैं कि हर पल उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि कोई उनके आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाजें भी आती हैं, महिलाओं की बात करने की आवाजें, उनकी चूड़ी और पायलों की आवाज से हमेशा यहाँ का माहौल डरावना सा बना रहता है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक के पार करने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाता। मई 2013 में दिल्ली से आए भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली एक पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी और वहां पे उन्होंने पैरानॉर्मल गतिविधियों को रिकॉर्ड भी किया। लांबी देहर माइंस, मसूरी। लांबी देहर माइंस मसूरी के बाहरी इलाके में स्थित है। 1990 से पहले यहाँ पे लाइमस्टोन का खनन किया जाता था। उस वक्त यहाँ पे करीब 50,000 मजदूर काम करते थे। लाइमस्टोन हमारे शरीर में जाकर फेफड़ों में जम जाता है और फेफड़ों को पत्थर में बदल देता है, जिससे कि इंसान को खूनी खांसी हो जाती है और उसकी काफी दर्दनाक मौत होती है। इससे बचने के लिए लाइमस्टोन माइंस के लिए कुछ सुरक्षा नियम भी बनाए गए हैं, पर लांबी देहर माइंस में इस तरह का किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता था। नतीजन वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर इस बीमारी से मरने लगे और सुरक्षा नियम ना होने की वजह से उस माइन में काम करने वाले ट्रकों के पहाड़ी से गिरने की भी कई दुर्घटनाएं हुई और इसी अनदेखी के कारण की वजह से इस माइन को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया और तब से ये जगह वीरान पड़ी है। जहां कभी 50,000 मजदूरों की आबादी थी, वहां अभी मुश्किल से 1,000 लोग रहते हैं। खाली पड़ी माइंस के एयर घरों में बड़े बड़े पेड़ उग आए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार खाली पड़ी माइंस और घर अब आत्माओं का ठिकाना है। यहाँ पर रात को लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक और बात जो इस जगह को भयानक बनाती है, वो है कि चलती हुई कार, बस, ट्रकों का अचानक सड़क से उतर जाना, जिससे कि कई बार गंभीर हादसे भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर काफी रहस्यमय तरीके से क्रैश हो चुका है। और यही सब बातें मिलकर इस जगह को भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में तीसरा स्थान दिलाती है। थ्री किंग्स चर्च, वेल्सोवा, गोवा। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इन तीनों राजाओं में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक बार हॉलगेट नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को हॉलगेयर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं का शव इसी चर्च में दफनाया गया है। इसके बाद से ही इस चर्च में भूतों का निवास माना जाता है। जमाली कमाली मस्जिद और कब्र, मेहरोली, दिल्ली। यह मस्जिद दिल्ली के मेहरोली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी में एक सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ पे जिन रहते हैं।
कई लोगों को इस जगह पर काफी डरावने अनुभव भी हुए हैं। सूफी संत जमाली लोदी हुकूमत के राजकवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफी इज्जत दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया था। मकबरे में दो संगमरमर की कब्रें हैं, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 से 29 में किया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर की बनी है। अग्रसेन की बावली, कनॉट प्लेस, दिल्ली। अग्रसेन की बावली राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस से थोड़ी सी ही दूरी पे स्थित है। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इस बावली का निर्माण कराया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। यह पुरानी स्मारक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है। किसी जमाने में यह हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सूख चुकी है। इस बावली के बारे में प्रचलित है कि यहाँ का काला पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या करने के लिए उकसाता था। इसके तल तक पहुँचने के लिए 106 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। ASI के अंडर आते हुए भी अग्रसेन की बावली बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, और आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में जाके भी लोगों को इसके बारे में पूछेंगे तो उनको इसके बारे में पता नहीं होगा। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। हैदराबाद स्थित विशाल रामोजी फिल्म सिटी का निर्माण उस जगह पर हुआ जहां निजाम सुल्तानों ने इतिहास के कुछ सबसे बड़े युद्ध लड़े। इस फिल्म सिटी के होटलों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यहां पर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि पैरानॉर्मल ताकतों का एहसास कराता है, जैसा कि शूटिंग के वक्त छत से लाइट का गिर जाना, ऊपर बैठे लाइट मैन को ऐसा लगता है कि उसे किसी इंसान ने आके धक्का दिया हो, और ऐसा कई बार हो चुका है और काफी सारे लाइट मैनों को इससे काफी चोटें भी पहुंची हैं। और कई बार देखा गया है कि होटल में रखे हुए खाने को किसी इंसान ने या किसी ताकत ने इधर उधर बिखेर दिया है, और ड्रेसिंग के कांच में उर्दू में कुछ अजीब से लिखा हुआ मिलता है। माना जाता है कि यहाँ पे मरे हुए सैनिकों की आत्माएं अभी तक यहाँ पे भटकती हैं। और एक अजीब सी बात यह है कि ये आत्मा औरतों को ज्यादा परेशान करती हैं। जैसे कि जब औरतें ड्रेसिंग रूम में होती हैं तो वहाँ उन्हें अजीब सी परछाइयाँ दिखाई देती हैं, और जब वे नहाती हैं तो बाथरूम बाहर से लॉक अपने आप हो जाते हैं। इन आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए कई उपाय किए जा चुके हैं, पर अब तक कोई भी विशेष फायदा नहीं हुआ है। डाउ हिल्स, कुर्सियोंग, वेस्ट बंगाल। कुर्सियोंग वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसकी दार्जिलिंग से दूरी कुछ 32 किलोमीटर की है। इस हिल स्टेशन की ऊंचाई जमीन से 4864 फीट है। कुर्सियोंग का स्थानीय नाम खरसांग है, जिसका मतलब होता है सफेद ऑर्किड की जमीन। कुर्सियोंग मेजरली अपने बोर्डिंग स्कूल और टूरिस्ट स्पॉटों के लिए जाना जाता है, पर कुर्सियोंग से लगती हुई डाउ हिल्स एक मिस्ट्री से जुड़ी हुई है जो कि इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में जगह दिलाती है। डाउ हिल्स के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई हैं। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई देना काफी आम बात है, इसीलिए यहां के वातावरण में एक अजीब सा डर महसूस किया जाता है। इसके अलावा यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च तक छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहटें भी सुनाई देती हैं। एक लक्कड़हारे का तो यहाँ तक कहना है कि उसने जंगल में एक युवा लड़के की सिर कटी लाश को चलते हुए देखा है, जो कि कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई। वैसे ये सिर कटी लाश वाली बात काल्पनिक ज्यादा लगती है, लेकिन डाउ हिल्स के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता कि ये जगह हॉन्टेड होना हो डरावनी बहुत है। ब्रिज राज भवन पैलेस, कोटा, राजस्थान। इस भवन में 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर चार्ल्स बूटेन की विद्रोहियों ने हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि तब से मेजर की आत्मा इसी महल में भटकती रहती है। खुद कोटा के पूर्वी महारानी का कहना है कि 1980 में मेजर को हॉल में देखा गया था जहां पे उन्हें मारा गया था। उस समय महारानी उस हॉल को अपने ड्रॉइंग रूम की तरह काम लेती थी। वर्तमान में यह एक हेरिटेज होटल में तब्दील हो चुका है। कई टूरिस्ट और वर्कर्स ने भी मेजर के भूत को इस महल में भटकते हुए देखा है। हालांकि यह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। आत्मा को सिर्फ एक चीज बुरी लगती है कि ड्यूटी के समय चौकीदार और हाउसकीपर का सोना। ब्रिजराज भवन पैलेस में भटकती हुई आत्मा कभी भी किसी को ड्यूटी पर सोते हुए या धूम्रपान करते हुए देखती है तो उन्हें खींच के थप्पड़ मारती है। बारोक सुरंग नंबर 33, शिमला, हिमाचल प्रदेश। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेजी इंजीनियर बड़ोग ने करवाया था, इसलिए इसे बड़ोग सुरंग भी कहते हैं। बड़ोग सुरंग के साथ एक काफी दर्द भरी कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बड़ोग ने एक बड़ी भूल कर दी कि एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया।
अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर नहीं मिल पाए, जिसके कारण उन पे 1 रुपए का जुर्माना किया गया। कहते हैं कि अपनी इस चूक के वजह से वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ शहर पर जाते हुए स्वयं को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। और कहते हैं कि आज भी इस सुरंग में उस अंग्रेजी इंजीनियर की आत्मा भटकती है, लेकिन कहते हैं कि ये आत्मा काफी फ्रेंडली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।